वेलकम बैक टू माय चैनल जय माता दी। तो चलिए आज आप लोग को फिर मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के सामने, जो है अरबी की रेसिपी। कैसे मैं क्या बना रही हूँ आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर आते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के पास मेरा वीडियो तुरंत पहुँचे और नोटिफिकेशन के साथ पहुँचे। तो आप लोग बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए चैनल पर। तो चलिए आज आप लोग को दिखाती हूँ मेरे अपने किचन से एक और रेसिपी, जो है अरबी की रेसिपी। तो आइए आप लोग को दिखाते हूँ, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ये है अरबी, तो दिखा रही हूँ आप लोग को अरबी, छोटा बड़ा दोनों साइज का अरबी है। इस अरबी को मैंने अच्छे से धोया था 5-6 पानी से, इसमें बहुत सारे मिट्टी होता है जिसको अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको अच्छे से धो ली थी, और धोने के बाद अब इसको मैंने साफ पानी से भी धो लिया। तो इसमें अब मैं लगाऊंगी सीटी, तो इसके लिए पहले मैं आप लोग को सामग्री दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या चीज जाएगा। तो देखिए, इधर मसाले के डब्बे से जो रेगुलर मसाले होते हैं डेली यूज वाले, धनिया मिर्च मसाला हल्दी, ये मसाले जाएंगे, टमाटर प्याज लहसुन अदरक मिर्चा। इससे ही बहुत अच्छा मैं बनाऊंगी सब्जी, थोड़ी अलग तरीके से, जो कि ढाबे पे ज़्यादातर मिलती है। आप इसके आगे पनीर की सब्जी भी फेल कर सकते हैं। इस तरह से मैं बना के आप लोग को दिखाऊंगी, और वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे और वीडियो का आनंद उठाए। तो देखिए, पहले मैं ली थी 4 प्याज, इसको मैं अच्छे से काट के मिक्सर जार में ग्राइंड करूंगी, मिर्चा और प्याज, और इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर लहसुन। 10-12 कली लहसुन मैं ले रही हूँ, और इसमें जाएगा थोड़ा सा खड़ा मसाला, ये है तेजपत्ता, दालचीनी, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और मिर्च, जीरा, इन सबको मैं डाल के इसी के साथ पीस लूँगी मसाले के साथ ही। थोड़ा सा डालूँगी पानी, और देखिए इधर ग्राइंड कर ले रही हूँ, इस तरह से ग्राइंड कर लेना है, और इसको ग्राइंड करके साइड में रखूँगी। और इसका जितना भी मिश्रण है सारा मैं मिक्सर जार से निकाल के पहले बाहर रखूँगी, और उसके बाद आप टमाटर को भी ग्राइंड करेंगे। उसी जार के अंदर टमाटर डाल देती हूँ, और इसको भी डाल करके अच्छे से ग्राइंड करूँगी। तो इस तरह से देखिए मेरा अरबी भी बॉईल हो चुका है। तो इसको मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चाकू के द्वारा, मैं बार बार इसके अंदर चाकू को लगा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से हो गया। तो इसको थोड़ा ठंडा कर दिया मैंने, अब ठंडा करने के बाद अरबी को छील लेंगे, क्योंकि गर्म में नहीं छीलना है, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं सारा अरबी छील के निकाल लूँगी। तो देखते रहिए कैसे बनाती हूँ। इसके आगे पनीर की सब्जी भी फेल है, अगर इस तरह से बनाएंगे तो जो अरबी नहीं खाता वो भी खाना स्टार्ट कर देगा, अगर आप लोग इस तरह से अरबी बनाना स्टार्ट करेंगे तो। इसकी सूखी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, उसकी भी रेसिपी आप लोग को देंगे। पहले ग्रेवी वाला देखिए, जो ढाबे पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर अरबी की सब्जी मांगते हैं तो किस तरह से मिलता है। तो देखिए उसी तरह से मैं बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई रखा, कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल डाला, आप कुकिंग ऑयल जो भी खाते हैं वो डाल सकते हैं, मैंने सरसों के तेल में इसको पका रही हूँ, और बहुत झाग आ रहा है क्योंकि ये घर का तेल है, उसके वजह से इसमें झाग आ रहा। देखिए इस तरह से मैं खड़ा ही अरबी को फ्राई कर लूँगी, और इसकी तरह से फ्राई करने से बहुत अच्छा कुरकुरा देखिए दिखने से लग रहा है, अच्छा गोल्डन कलर इस पर आ गया है। तो इस तरह से हमने फ्राई कर लिया, उसी तेल के अंदर मैं डाल दी हूँ जीरा, और जीरा डालने के बाद मैं डाल दी तेजपत्ता, तेजपत्ता के बाद इसमें हींग जो बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा अजवाइन भी डाली थी, अजवाइन भी डालना है क्योंकि अरबी में अजवाइन जाता है और अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, अजवाइन खाना चाहिए। और बाकी ये सब सब्जी थोड़ा सा बादी होता है तो इसके लिए अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए। तो अजवाइन डाली थी और जीरा डाली थी और हींग तेजपत्ता, उसके बाद अपना प्याज जो पीस के रखे थे मसाला प्याज लहसुन अदरक वाला उसको मैं डाल दी, थोड़ा सा हल्दी डाल के पहले उनको भूनूंगी मसाले को प्याज को। इधर मैं ले रही हूँ 1 कप दही है, दही को पहले फेंट लेंगे, ये घर की ताज़ी दही है, आप कोई भी दही ले सकते हैं, मार्केट की भी, खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो ये दही अच्छी है घर की। इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले, बेसिक मसाले जो यूज करते हैं, 1 चम्मच मिली थी हल्दी, और 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और इस तरह से हम फेंट लेंगे दही में सारे मसालों को, और इस तरह से फेंट के आप दही में ही अरबी को बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा और बहुत 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 अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम फेंट के अपना उसमें डाल दिए थे अरबी, जो बॉयल किया हुआ अरबी था इसको, इसी के अंदर मैंने मिक्स कर दिया अरबी को,
दही के मसाले में। और इधर मेरा प्याज अच्छे से भून गया था, उसमें मैं डाल दी अपना टमाटर और प्याज वाला मसाला, दोनों को अच्छे से भूनूंगी जब तक इसमें चारों तरफ से ऑयल बाहर ना हो जाए। इस तरह से इसको भूनना है ताकि आपका मसाला अच्छे से जब भून जाता तो आपको खुद पता चलता उस पर तेल बराबर चारों तरफ से आ जाता है। उसमें मैं डाली थी नमक, नमक डाल के टमाटर को अच्छे से भून ली थी और एक घर की ही ताजी मलाई है 2 चम्मच। अब इसी को इसके अंदर डाल दे रही हूँ मसाले में डाल करके अच्छे से इसको भी भूनूंगी इसी के साथ। बराबर चलाते रहना है, नहीं तो फटने का भी डर होता है। तो आप दही हो या फिर आप मलाई हो, जो भी ये सब सामान डालते हैं सब्जी में, तो बराबर लगातार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो आपका फटने का डर होता है। देखिए चारों तरफ से मैं दिखा रही हूँ, मसाला एकदम परफेक्ट भुन गया है। तो इस तरह से मसाला मेरा रेडी है, चारों तरफ से तेल इसका बाहर आ गया है। और अपना जो मिश्रण बना के रखी थी दही में अरबी को, अब इसको मसाले में एकदम अच्छे से मिला के रेडी करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस सब्जी को आप पराठे, पूरी, रोटी किसी के साथ खा सकते हैं, दाल राइस पे भी चलेगा ये। तो देखिए एकदम परफेक्ट, खाने में भी बहुत अच्छा, आपको इसके आगे पनीर की सब्जी भी अच्छी नहीं लगेगी अगर इस तरह से आप बना के एक बार ट्राई करेंगे तो। तो देखिए मेरा रेडी हो गया, इसमें तेल ऊपर से भी दिख रहा है, अच्छे से पक गया है। थोड़ा सा ऊपर से मैं डाल दूंगी धनिया, तो इस तरह से धनिया डाल के सब्जी रेडी हो गया। अब इसको सर्व करते हैं खाने के लिए। तो देखिए अब सर्व करने के लिए एक बाउल लेते हैं, बाउल में अपना डालते हैं सब्जी अरबी का। अगर इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो पता ज़रूर करिएगा आप लोग कैसा लगता है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना है कैसा नहीं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।